ये बात है उस समय की जब ब्रह्मांड और इंसानों की सीमा सीमित थी, लेकिन इन ब्रह्मांडों के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ए, कौन है उधर? रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। अबे माँ की चुत तेरी रिकॉर्डिंग की, मैं तो यही गाना बजाऊंगा। अबे शांति से चले जाए यहाँ से। अबे बहन के लड़े मारने की धमकी दे रहा है क्या मेरे को? अबे तू आठ बंदे लेके आ जा, मैं अकेले ही बताता हूँ तेरे को। अबे तू थोड़ा सा चूतिया वूतिया है क्या? मैंने तो मारने की बात ही नहीं की। अच्छा बहन के लड़े, अब डर गया तो वैसी बातें कर रहा है। और सुन, जो भी मेरा ये सब रिकॉर्ड हुआ है ना, वो सब डिलीट कर और मेरे से माफी मांग अगर इज्जत से यहाँ रहना है तो। अबे मादर चो, तू पागल वागल है क्या? रुक बैठ के लोड़े। ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बकचोदी। आई होप सब सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या नाम है उसका, है क्या लवड़े का बाल? भोसड़ी के बहन के लवड़े गाली को दे रहा है। अच्छा रजत दलाल, ओके सॉरी। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का नए लफड़े में, रजत दलाल वर्सेस कैरी मिनाटी। बच्चन जी आराम से, धीरे, कूल डाउन। आई सलाम, मेरे को शांत करेगा बोका चोदा। तो हाँ जी भैया, न्यू लफड़ा रजत दलाल वर्सेस कैरी मिनाटी। तो जो भोसड़ी वाले दीन दुनिया से दूर थे उनको मैं बता देता हूँ, कैरी मिनाटी ने एक वीडियो डाली थी सिग्मा मेल वाली, उसमें कुछ शब्द रजत दलाल के ऊपर थे और रजत दलाल भैया ने उसे सीरियसली ले लिया और ये रील डाली। तो भाई बहुत जगह से मेरे पास एक वीडियो आ रही है कि एक 5 वोल्ट की बैटरी ने मेरे पे रोस्ट निकाला है। पहली बात तो कहां से खबर आ रही है, सीधे बोलो ना कि वीडियो देखिए। नहीं बहनचोद हवाबाजी, लेकिन सही बात है, सामने है भी तो कौन, रजत दलाल। और दूसरी बात, वो सामने 5 फुट या बैटरी तुम्हारी गांड मार सकता, तुम्हें पता भी नहीं लगेगी। उस चूतिए का नाम है कैरी, खैर उसका धंधा ही है औरों के दाम, औरों के नाम पे, औरों के काम पे, बोल बाल के अपने व्यूज लेना। हाँ सही बात है, कैरी तो दूसरों के नाम पे फेम लेता है, उसका काम ही वही है। सही बात है, रजत दलाल मैं गरीब हूँ चूतिया नहीं। पहली बात, वो जिसके नाम पे फेम ले रहा है उसके पास खुद तो फेम होनी चाहिए। ये सारे जिम वाले, मुझे एक बात बताओ, तुम अपना दिमाग जिम में छोड़ के आते हो या प्रोटीन के डब्बे के अंदर डाल के रखते हो डेडलिफ्ट के चोदो? तो बहुत अच्छी बात है आप लोग, पर भाई मेरे को जितना पता है मैंने आपसे कभी उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो उसके लिए गांड में दम होना चाहिए। कैरी सिस्टम वाला बकचोद नहीं है, वो तुम्हारी एक बार में गेंद फाड़ सकता है, लेकिन कैरी ऐसा नहीं करेगा और इस कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं कूदेगा। अगर वो कूदा तो फेम किसको मिलेगा? रजत दलाल को। तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए, पर मुझे पता है आपके अंदर मेली को बहुत ज्यादा है, वो मैं उतार। अरे सिग्मा रजत दलाल भैया, एक रोस्ट वीडियो से गांड फट गई क्या तुम्हारी, जो पार्ट ट्रिम करने की बात कर रहे हो? आप रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका भीम बनाएंगे। अरे रजत दलाल, दो भोसड़ी वाले क्रिएटरों के बीच में कॉम्प्रो करा के बहुत बड़े गैंगस्टर बन रहे हो क्या? वो कैरी है, एल्विशा मैक्सटन नहीं। अब तुम में से कुछ ज्ञान के चोदे बोलेंगे, भाई कैरी ने तो सॉरी बोल दिया और पार्ट ट्रिम कर दिया, कैरी की तो फट गई। अरे भोसड़ी वालों, एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड में फर्क होता है नहीं होता है? और ये तो फिर भी माइटी राजू है। बस बस बस, हो गई आज की बकचोदी। तो देखो यार, ये बस एक मजाक था, बकचोदी थी, तो इसे दिल पे मत लेना। और रजत दलाल भैया, मेरे घर में 8-10 बंदे मत भेज देना, मैं मैक्सटन नहीं हूँ, मैं माँ चोद दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज फिर तेरे मथे खोल दे, बोरे बाब तेरी कांड तोड़ दे, गैंग लेके आए इनकी पत्ती बोर दे, रागा के फैन हम मस्ती खो रहे हैं, ये लौंडे कर मीठी बातें, होती नहीं मुझसे फीकी बातें, बिन बजा दिल लगाते, आए जब सामने इनमें भर दू चाटे, ये पन साले की बटोस की।